हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी के लेसन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले हम देख भी लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 का है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। यहाँ पे हमें कुछ इन्वर्स फंक्शंस दिया हुआ है, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कुछ हमें नोट पॉइंट में ध्यान रखना पड़ेगा, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर है साइन इन्वर्स, उसके बाद टैन इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स। इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा द वैल्यू ऑफ पॉजिटिव, इसका वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि इसका रेंज होता है माइनस रेडियन बाय टू से लेकर के रेडियन बाय टू की बीच में ही होती है। इसीलिए तो आपको बहुत सारे रेंज याद करने की आवश्यकता नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम बताने की कोशिश करेंगे। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगा, कब, जब ये थ्री इन्वर्स फंक्शन का वैल्यू, और तीन और है जिसका है कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सेक इन्वर्स। इसकी जो वैल्यू है पॉजिटिव भी होगी, सॉरी पॉजिटिव होगी, केवल ओनली फॉर पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव वैल्यू, केवल पॉजिटिव, और यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होगी। सॉरी मिस्टेक हो गया, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। जो ऊपर का फंक्शन है साइन टैन और कॉसेक, इसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होगा, क्योंकि माइनस रेडियन बाई टू से लेकर के रेडियन बाई टू के बीच की रेंज है, और इसका केवल पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका रेंज है जीरो से रेडियन, ये समझे। अगर ये निगेटिव आ गया तो कन्वर्ट कर देंगे इसको, कन्वर्ट इनटू द फंक्शन रेडियन माइनस रियल वैल्यू, रियल वैल्यू, रियल वैल्यू। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ आपको क्लियर और स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन इसको शॉर्ट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन टैन और कॉसेक का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू होगी, और कॉस कॉट और सेक का पॉजिटिव होगी केवल। अगर निगेटिव होगा तो यहाँ कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू द फंक्शन रेडियन माइनस रियल वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव वैल्यू। तो चले यहाँ पर देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इसे कुछ नाम रख लिया जाए, लेट y इक्वल साइन इन्वर्स माइनस वन बाई टू। तो यहाँ हो जाएगा साइन y इन्वर्स है तो इस साइड मिलेंगे, साइन y इक्वल माइनस वन बाई टू। अब आप क्लास टेंथ में बहुत सारे स्टडी किए हैं, इलेवेंथ में भी पढ़े हैं कि वन अपॉन टू यानी वन बाई टू साइन कितना डिग्री का वैल्यू है, तो आप जानते हैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू होती है, क्या, वन अपॉन टू। 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, रेडियन अपॉन सिक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस साइन रेडियन अपॉन सिक्स, साइन से साइन कैंसिल तो वाई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस रेडियन अपॉन सिक्स। तो एकदम क्लियर है ये, यहाँ रेंज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बताया गया है कि साइन टैन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में हो सकता है, तो निगेटिव है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर पॉजिटिव भी आता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए तो हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स पर चलेंगे, आप इसे नोट कर लें, ये समझने की मुख्य बात है ये आपका इस लेसन के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कॉस इन्वर्स रूट अंडर थ्री अपॉन टू, सेम प्रोसेस है, यहाँ इससे भी ले लेंगे, लेट कर लेंगे y इक्वल कॉस इन्वर्स रूट अंडर थ्री अपॉन टू, तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई इक्वल रूट अंडर थ्री अपॉन टू। अब ये बताएं कि कॉस, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू रूट अंडर थ्री अपॉन टू होती है, तो यहाँ भी कॉस 30 का ही वैल्यू है, तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं कॉस रेडियन अपॉन सिक्स, कॉस से कॉस कैंसिल वाई इक्वल रेडियन अपॉन सिक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, आपको बताया है कॉस इन्वर्स जो है इस फंक्शन की, अगर निगेटिव होता तो आगे की स्टेप करते। तो चलिए हम इसका भी एक एग्जाम्पल आपको देंगे अपने मन से, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए तो इसका एक निगेटिव हम बताते हैं कि अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए अपने मन से क्वेश्चन है, इसे भी आप समझ लें। चलिए इसको थर्ड नंबर बना देते हैं, अगर यही हो कॉस इन्वर्स माइनस रूट अंडर थ्री अपॉन टू, अगर ऐसे होता
मे बी। तो यहाँ क्या करते हैं, लेट कर करके वाई ले ले, कॉस इनवर्स माइनस रूट अंडर थ्री अपॉन टू। तो यहाँ हो जाएगा कॉस वाई इक्वल माइनस रूट अंडर थ्री अपॉन टू। तो कॉस वाई इक्वल कितना डिग्री की वैल्यू है, कॉस रेडियन अपॉन सिक्स, कॉस से कॉस कैंसिल, वाई इक्वल माइनस रेडियन अपॉन सिक्स, निगेटिव आ गया। लेकिन हमें पॉजिटिव चाहिए कॉस का, उसके बाद कॉट का और सिक का। तो चलिए कन्वर्ट करना है, तो सॉरी दी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज रेडियन माइनस, इसे ले ले रेडियन अपॉन सिक्स, यही माइनस फंक्शन, इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव रेडियन अपॉन सिक्स। आप एलसीएम ले ले, रेडियन माइनस रेडियन भाई देख सकते हैं यहाँ सिक्स, तो सिक्स रेडियन माइनस रेडियन, तो ये हो जाएगा फाइव रेडियन अपॉन सिक्स। यहाँ आ गया, यहाँ तक आपको जाना है, आपको बताए हैं, और जहाँ तक पॉजिटिव आ गया तो यहीं पर छोड़ देना है। तो ये आपको अब जरूर समझ में आ गया होगा कि नोट में क्या लिखा हुआ था। इसी तरह का फंक्शन आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा कॉस कॉट और सेक के लिए, अगर निगेटिव आए तो पॉजिटिव करने के लिए सिर्फ यही इतना स्टेप करना पड़ेगा। और साइन टैन और कॉसेक के लिए निगेटिव और पॉजिटिव दोनों आए, उसके लिए कोई इंटरचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। चलिए तो ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा, और आगे का भी हम क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कुछ बताते हैं, समझिए पहले इसको। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। कॉसेक इनवर्स टू, इसका बनाने का यही रूल है, आप इसे जरूर समझ लें, जो फंक्शन है उसका नाम कुछ रख दें कॉसेक इनवर्स टू। अब यहाँ इनवर्स में है तो साइड में परिवर्तन होगी तो क्या हो जाएगी, कॉसेक वाई इक्वल टू। अब ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा इसका वैल्यू टू, कॉसेक कितना की वैल्यू है, तो ये भी कॉसेक थर्टी की ही वैल्यू है, कैंसिल, तो वाई इक्वल रेडियन अपॉन सिक्स, देखिए फाइनली। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, फोर नंबर विषय में है, सिर्फ आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए एक और हम ये ले लेते हैं, सिक्स नंबर टेन इनवर्स माइनस वन, कुछ नहीं करना है यहाँ, लेट करके इसका नाम रख ले आप, वाई इक्वल टेन इनवर्स माइनस वन, तो टेन वाई इक्वल माइनस वन, तो टेन वाई कितना डिग्री है, वन, दैट मीन्स 45 डिग्री की, रेडियन अपॉन फोर, टेन से टेन कैंसिल, तो वाई इक्वल माइनस रेडियन अपॉन फोर। यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगी। तो इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू आसानी से आप निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, टेन इनवर्स वन, कॉसेक इनवर्स माइनस वन बाई टू, प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। आप इसको अगर सॉल्व करने के लिए आप बारीकी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, उसके बाद इसका भी निकाल करके और इसका भी निकाल करके, उसके बाद इसका कुछ इक्वेशन मान करके वन, जैसे हम इसको बताते हैं सॉल्व करके क्या कहना चाहते हैं। देखिए 11 नंबर का सॉल्व करेंगे, करने का मतलब लेट कर लेंगे, सभी फंक्शन को हम यहाँ पे टेन इनवर्स वन प्लस कॉसिक सॉरी कॉस इनवर्स माइनस वन बाई टू और प्लस साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू, इक्वेशन वन ले लेते हैं। अब इसका पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। चलिए तो लेट तो यहाँ सबका नाम रख दिया, दैट मीन्स वन पुट कर लेंगे इक्वेशन वन। अब यहाँ से आप लेट कर करके आगे बना, इसका कुछ नाम रखते हैं, वाई ले लेते हैं वन, तो यहाँ हो जाएगा टेन वाई इक्वल वन, तो टेन वाई इक्वल क्या हो जाएगा, टेन रेडियन अपॉन फोर, टेन से टेन कैंसिल, तो वाई इक्वल रेडियन अपॉन फोर, क्लियर है यहाँ। उसके बाद इसका वैल्यू निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं, उसके बाद इसका कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जेड इक्वल ले लेते हैं यहाँ पर, सॉरी जेड इक्वल कॉसेक इनवर्स माइनस वन अपॉन टू, तो यहाँ पर ले हो जाएगा कॉस जेड इक्वल माइनस वन अपॉन टू, वन अपॉन टू कॉस कितना डिग्री की वैल्यू होगी, तो 60 डिग्री की वैल्यू, रेडियन अपॉन थ्री, तो जेड इक्वल माइनस रेडियन अपॉन थ्री, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो सो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू इसकी निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इच सॉरी कॉस इनवर्स
माइनस वन बाई टू इंच, क्योंकि आप जानते हैं इसका बारे में कि कैसे होगा ये, तो इसके एलसीएम लेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद एक और टर्म बचा हुआ है, इसको हम पी ले लेते हैं, साइन इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो साइन पी इक्वल माइनस वन बाई टू, तो साइन पी इसका क्या होगा, माइनस साइन कितना डिग्री, रेडियन अपॉन सिक्स, तो पी इक्वल हो जाएगा माइनस रेडियन। अब इसका रेंज पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। अब हेंस कर दें यहाँ से, हेंस इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन ही नहीं, इसका वैल्यू क्या है, ये रेडियन अपॉन फोर। इसका वैल्यू कितना निकाले हैं आप, प्लस टू रेडियन अपॉन थ्री, और इसका वैल्यू कितना निकाले हैं, माइनस रेडियन अपॉन सिक्स। इसका अगर आप एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है यहाँ, तो ही हो जाएगा 3 रेडियन प्लस 8 रेडियन माइनस 2 रेडियन, तो 11 रेडियन माइनस 2 रेडियन अपॉन 12 हो जाएगा 9 रेडियन अपॉन 12। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 3 रेडियन अपॉन 4। देखिए इस तरह से आप इस लेसन को बनाने की कोशिश करें। इसका और सारे कुछ फार्मूला है, प्रॉपर्टीज है, उसे भी हम देंगे। तब तक आप सब लेसन पे जरूर बनाने की कोशिश कीजिए। और सारे टेक्स्ट बुक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे प्रिंसिपल वैल्यू पर, और इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर बनाएं। और कल की वीडियो में इसका नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे, तो और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।